ऑफिस पर बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि फिल्म के लिए अजय देवगन कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं और अजय देवगन की साउथ में ये पहली फिल्म होने वाली है। बाहुबली के डायरेक्टर राजामौली की RRR अगले साल 8 जनवरी को रिलीज होगी। हाल ही में खबर आई थी कि रे स्टीवेंसन, ओलिविया मॉरिस और एलिसन डूडी जैसे मशहूर कलाकार RRR के साथ जुड़ गए हैं। फिल्म का 70% से भी अधिक हिस्सा शूट किया जा चुका है और फैंस को बाहुबली के निर्देशक राजामौली की RRR का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो दोस्तों, आप ही हमें बताइए कि आपको RRR का कितना इंतजार है, नीचे कमेंट सेक्शन में। एस एस राजामौली RRR क्या मगाधीरा की तर्ज पर बनाएंगे या फिर बाहुबली का अनुसरण करेंगे? कैसे ये फिल्म कमाने जा रही है 1000 करोड़? क्या ये भारत की सबसे महंगी फिल्म है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। निर्देशक एस एस राजामौली की अगली फिल्म RRR की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। फिल्म के सेट पर सुपरस्टार अजय देवगन, रामचरण, जूनियर NTR के साथ राजामौली की तस्वीरें बाहर आई हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हो भी क्यों ना, एक साथ इन चारों को देखना बड़ी बात है। जहां अजय देवगन बॉलीवुड के स्टार हैं, वहीं रामचरण और जूनियर NTR तेलुगु सिनेमा के जाने माने नाम है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो है राजामौली, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बाहुबली जैसी फिल्म दी है। बाहुबली फिल्म निर्देशक राजामौली की ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है। फिल्म का बजट काफी ज्यादा रखा गया है। रामचरण, NT रामा राव जूनियर, अजय देवगन के अलावा फिल्म में आलिया भट्ट भी मुख्य किरदार में दिखेंगी। कोई शक नहीं है कि बाहुबली धमाका के बाद दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में अजय देवगन लंबा कैमियो निभाने वाले हैं, जो कि काफी अहम होगा। वहीं आलिया भट्ट बतौर लीड एक्ट्रेस दिखेंगी। ये फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो अब इस डेट को बदल दिया गया है। हालांकि अभी अक्टूबर की फाइनल डेट नहीं आई है। फिल्म 1920 के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी काल्पनिक है, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी थी। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी बड़ी होने वाली है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये फिल्म भारत की सबसे महंगी फिल्म होगी। फिल्म की टीम ने पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है और अब फिल्म की टीम अपने दूसरे शेड्यूल पर काम कर रही है। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम समेत कुल 10 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज की जाएगी। ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है। फिल्म को ओवरसीज में काफी बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि राजामौली की पिछली फिल्म बाहुबली ने ओवरसीज में 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। इससे राजामौली ने बाहुबली सीरीज, इगा मगा धीरा जैसी बिग बजट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लिहाजा RRR से भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका की उम्मीद जताई जा रही है। राजामौली का मानना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने सिर्फ उनके जीवन का संघर्ष दिखाया, जबकि उन्होंने दास्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस फिल्म के जरिए वो उन क्रांतिकारियों के संघर्ष को अलग तरह से पेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी? क्यों बदल गई RRR की रिलीज डेट? फिल्म में किस प्रकार का होगा एक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं काजल स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली की बहुप्रतीक्षित आलिया भट्ट और अजय देवगन के साथ NTR और रामचरण अभिनीत फिल्म है। सूत्रों के अनुसार फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है और जुलाई 2020 में रिलीज नहीं होगी। फिल्म RRR की टीम के करीबी सूत्रों के अनुसार यह अक्टूबर में रिलीज होने की संभावना है। इस फिल्म को लेकर समीक्षक तरुण अरदास और कोमल नहात ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। हाल ही में रे स्टीवेंसन, ओलिविया मॉरिस और एलिसन डूडी जैसे मशहूर कलाकार RRR के साथ जुड़ गए हैं। फिल्म 2020 की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक है और इसमें फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सितारों की टुकड़ी भी देखने को मिलेगी। फिल्म का 70% भाग शूट हो चुका है और प्रशंसकों को बाहुबली के निर्देश SS राजामौली की RRR की रिलीज का सब बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण DVV दनिया ने किया है। फिल्म में साउथ के दो सबसे बड़े सुपरहिट NTR जूनियर और रामचरण के अलावा हिंदी सिनेमा के भरोसेमंद सितारे अजय देवगन भी हैं।
फिल्म में दोनों के लीड हीरो की एंट्री सीन शूट कर दिया गया है और उसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा चुका है। बॉलीवुड के किस एक्टर ने तानाजी को वाहियात कहने की हिम्मत की है? ये एक्टर क्यों अजय देवगन से पंगे लेता रहता है? क्या अब इसे मिल गया है इसका मुंह तोड़ जवाब? और तानाजी ने रच दिया है कौन सा इतिहास? और अब अजय ने किस फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 167 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर ली है। वैसे तो तानाजी की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि तानाजी ने पहले दिन 15 करोड़ की कमाई थी और 16वें दिन अपने पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा की कमाई कर ली। वैसे फिल्म ने एक और हिस्ट्री बनाई है। अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर को दोगुना प्यार मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और अब तीनों सेनाओं के प्रमुख ने साथ मिलकर ये फिल्म भी देख ली। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी फिल्म को तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ देख रहे हो। वेल, अजय देवगन भी इस बात से बेहद खुश है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और अजय ने ठान ली है कि अब वो रुकेंगे नहीं और अपनी अगली फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, अजय देवगन का अगला प्रोजेक्ट है RRR, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली। RRR मूवी के मेकर्स ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, हम लोग अजय देवगन के साथ हमारे शेड्यूल की शुरुआत के लिए बहुत खुश है। फिल्म RRR में कई बड़ी हस्तियां भी दिखेंगी। फिल्म में JR, NTR, रामचरण, आलिया भट्ट और विदेशी एक्ट्रेस डेजी जोनस भी लीड रोल में होंगी। फिल्म बड़े बजट की बताई जा रही है। फिल्म का बजट 400 करोड़ होने वाला है। ये फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होगी। वेल दोस्तों, जहां अजय की तानाजी ने दिखा दिया है कि इसमें कितना दम है, वहीं बॉलीवुड के एक एक्टर ने इस फिल्म को वाहियात बता दिया था। ये एक्टर अब फिल्म क्रिटिक है और इनका नाम KRK है, यानी कमाल आर खान, जिन्हें आप सभी जानते हैं। लेकिन अब तानाजी की ताबड़तोड़ कमाई से खुद KRK शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। KRK ने माफी मांगते हुए ट्वीट किया है कि तानाजी रिलीज के दूसरे सोमवार को भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसका मतलब कि ये कि फिल्म 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा आसानी से छू लेगी। मैं अपने रिव्यू के लिए माफी मांगता हूँ अगर पब्लिक को फिल्म पसंद आती है, क्योंकि जनता की आवाज नकारे खुदा। आपको बता दें, KRK ने तानाजी को वाहियात फिल्म बताया था और कहा था कि पानीपत भी इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी है। उन्होंने इस फिल्म को 1 स्टार दिया था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। KRK ने फिल्म शिवाय के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। उस वक्त करण जौहर की ऐ दिल मुश्किल और शिवाय में क्लैश होना था और खबर तो ये भी थी कि अजय ने करण जौहर पर आरोप लगाया था कि करण ने KRK को पैसे दिए थे शिवाय का घटिया रिव्यू देने के लिए। इसके बाद दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई। हाल ही में एक रियलिटी शो में भी अजय ने करण पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। वेल, इस बार भी KRK ने तानाजी का गंदा रिव्यू कर शक पैदा कर दिया कि आखिर KRK को अजय देवगन से दुश्मनी क्या है। वेल, फिलहाल तो KRK को उनका जवाब मिल गया है। और क्या जवाब मिला है, मतलब कुछ दिन तक KRK की बोलती बंद हो जाएगी। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है और आपको RRR का कितना इंतजार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। RRR फिल्म के गाने बाहुबली की तरह क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या RRR बाहुबली से भी बड़ी फिल्म होगी? RRR का बजट कितना रखा गया है और फिल्म का नाम RRR ही क्यों रखा गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, RRR में तेलुगु फिल्मों के दो सुपरस्टार रामचरण तेजा और जूनियर NTR काम कर रहे हैं। साथ में प्रकाश राज, मुरली शर्मा, मुकेश ऋषि, श्रीनिवास राव और फिल्म में चिरंजीवी का भी गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें कि फिल्म का नाम RRR ही क्यों रखा गया है, तो आपको बता दें कि SS राजामौली, जूनियर NTR और रामचरण तेजा, इन तीनों के ही नाम में R वर्ड का यूज होता है और देखा जाए तो इन तीनों के नाम पर ही ये फिल्म बिकेगी भी। तो इन तीनों के नामों को मिलाकर इस फिल्म का वर्किंग टाइटल RRR रख दिया गया है। वहीं इस फिल्म का बजट भी करीब 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म भव्य स्तर पर बनने वाली है।
फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो इस फिल्म की कहानी को राजामौली के पापा केवी विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है और ये कहानी रीबर्थ पर बेस्ड होने वाली है। वेल, रीबर्थ से याद आया, 1995 में इस तरह की एक फिल्म आ चुकी है, शाहरुख खान और सलमान खान स्टारर करण अर्जुन, और गौर करने वाली बात है कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। तो ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा कि इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है। वहीं अगर फिल्म के गानों की बात की जाए तो इस फिल्म के गाने भव्यता से परिपूर्ण होने वाले हैं। इनफैक्ट जिस प्रकार से बाहुबली में जियो रे जियो बाहुबली टाइटल ट्रैक रखा गया था, उसी प्रकार से ट्रिपल आर में भी एक टाइटल ट्रैक रखा जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया कुछ इसी प्रकार का गीत भी एसएस राजामौली अपनी इस फिल्म में चाहते हैं। बाहुबली में म्यूजिक दिया था राजामौली की कजिन एमएम किरावडी ने, और ये बताने की तो जरूरत है नहीं, बाहुबली के म्यूजिक को दुनिया भर में बेशुमार प्यार मिला था, खूब पसंद किया गया था, और शायद यही कारण है कि एसएस राजामौली ट्रिपल आर फिल्म के लिए भी किरावडी को साइन करने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट ये तक मानना है कि ट्रिपल आर बाहुबली की तरह भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म हो सकती है। वेल, अब ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि क्या ट्रिपल आर बाहुबली को टक्कर दे पाएगी, चाहे वो गानों के मामले में हो या फिर फिल्म की कहानी के मामले में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल। एसएस राजामौली की ट्रिपल आर केवल 40% क्यों बन पाई है और इस फिल्म का क्लाइमैक्स कितने मिनट का होगा? अजय देवगन के जुड़ने से इस फिल्म को कितने करोड़ का फायदा होगा? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग भव्य स्तर पर चल रही है, लेकिन जुलाई में रिलीज होने वाली फिल्म अब पोस्टपोन कर दी गई है और अब ये फिल्म अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। पहले फिल्म 30 जुलाई 2020 को रिलीज हो रही थी। फिल्म की नई रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं की गई है। फिल्म की कहानी 1920 के दशक के दो स्वतंत्रता सेनानियों अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर आधारित है। इन दोनों वीर पुरुषों ने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि फिल्म इन दोनों लड़ाकों की दोस्ती के बारे में कही जा रही है। हाल ही में खबरें थी कि फिल्म की कास्ट में किच्चा सुदीप भी जुड़ चुके हैं। माना जा रहा था कि किच्चा सुदीप फिल्म में एक पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन किच्चा ने साफ करते हुए कहा कि वो फैंस की खुशी समझ सकते हैं, पर उन्हें ऐसे किसी रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। फिल्म के बारे में बात करते हुए एसएस राजामौली बता चुके हैं कि ये बहुत बड़ी फिल्म है और पूरी तरह से काल्पनिक है। ये दो सच के हीरो की कहानी है। मैं छोटे स्तर में फिल्में बनाना पसंद नहीं करता और इसलिए इस फिल्म में भी सब कुछ काफी बड़े भव्य स्तर पर किया जा रहा है। फिल्म के लिए रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर भव्य स्तर पर 20 तारीख से एक्शन सीन शूट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों ने अलग अलग अपने एक्शन सीन शूट किए हैं और इसके बाद फिल्म लगभग 50% पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए 15 मिनट का एक लंबा फाइट सीन शूट होना है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इससे पहले फिल्म का इंटरवल सीन देखकर भी फैंस वाह कह उठेंगे। इस फिल्म के लिए अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच कड़ी टक्कर चली। माना जा रहा था कि दोनों को ही फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। खबरें यहां तक थी कि अजय देवगन ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन आखिरकार सारी अफवाहों को पीछे छोड़ते हुए अजय ने इस रोल को अपने नाम कर लिया है। खबर है कि फिल्म में अजय देवगन रामचरण तेजा के पिता की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की टीम ने अजय देवगन का स्वागत करते हुए लिखा था, हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप हमारी इस फिल्म में एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। इंतजार ही नहीं हो रहा है। ट्रिपल आर आजादी के पहले की समय की फिल्म है, जहां रामचरण तेजा पुलिस और जूनियर एनटीआर एक डाकू की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में देखना है कि इस नॉर्मल सी कहानी में वो ऐसा क्या अद्भुत करते हैं। माना जा रहा है कि फिल्म में बाहुबली की पूरी टीम वापस एक साथ काम कर रही है। पिछली बार जब इस टीम ने काम किया था तो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बना डाली थी। इस बार अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो हो सकता है कि फिर से इतिहास दोहराया जाए। एसएस राजामौली ने काफी पहले ही एकदम साफ साफ कहा था कि आलिया भट्ट
और अजय देवगन फिल्म में केवल सहयोगी भूमिका में होंगे। जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा की अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म से अजय देवगन के जुड़ने से इस फिल्म को कम से कम 200 करोड़ का फायदा होगा, यानी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। अब ये देखना है कि क्या ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं वद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद SS राजामौली ने लॉन्च किया तीसरा मेगा बजट प्रोजेक्ट जिसका नाम है RRR। RRR यानी कि रामा रावण राज्यम इस फिल्म का नाम है, लेकिन पोस्टर में सिर्फ इतना दिखाया गया है कि RRR और उसके नीचे लिखा गया है रामा रावण राज्यम, जो कि इस फिल्म का नाम है। हम आपको बता दें कि बाहुबली का बजट था, हम आपको बता दें बाहुबली का बजट था 180 करोड़ और बाहुबली 2 का बजट था 250 करोड़ और इस फिल्म का बजट है 300 करोड़ से भी ऊपर का। ये भी एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में एक गांव बनाया गया है जिसमें आप 1920 में भारत के गांव कैसे हुआ करते थे आप इसमें देख सकते हैं। इस फिल्म के मेन लीड एक्टर्स हैं NTR और रामचरण, जो कि साउथ के जाने माने चेहरे हैं जिनकी फिल्में काफी सुपर डुपर हिट रह चुकी हैं, और ये दोनों एक्टर्स फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात भी रखते हैं। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी, लेकिन फिल्म की कहानी क्या होगी, ये शास्त्रों या वेदों या पुराणों से उठाई गई है या किसी राजा महाराजा के ऊपर होगी, इस बात का भी कोई खुलासा भी नहीं किया गया है। और इस फिल्म में दोनों के अपोजिट कौन से मेन लीड एक्ट्रेस होंगी, इस बात का भी कोई खुलासा नहीं किया गया है, पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि SS राजामौली ने बाहुबली और बाहुबली 2 मूवी बनाने के बाद अगर इस फिल्म को हाथ में लिया है तो ये भी कोई बड़ा धमाका करने वाली होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, SS राजामौली को तो आप जानते ही हैं बाहुबली के जरिए, जिन्होंने ऐसी दो सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, तो क्या RRR यानी कि रामा रावण राज्यम भी कुछ ऐसा कमाल कर पाएगी जैसा कि बाहुबली 2 ने किया था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। दोस्तों, आपके मन में अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। रामा रावण राज्यम फिल्म किससे इंस्पायर्ड है, शमशेरा और RRR में से किसकी जीत होगी, आखिर क्यों साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के एक्टर्स को चांस दे रही है अपने फिल्मों में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म रामा रावणम राज्यम के बारे में, मतलब कि RRR के बारे में। दोस्तों, पूरे सिनेमा यूनिवर्स में अगर इंडीवुड के बारे में बात होती है तो उसमें सिर्फ दो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री। इंडिया के बाहर पहले साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन सिर्फ एक फिल्म ने ना सिर्फ लोगों का परसेप्शन चेंज करने में कामयाब रही बल्कि उस इंडस्ट्री को उस फिल्म से बहुत हाइप मिला। इस एक फिल्म की वजह से आज ऐसा लगता है कि बॉलीवुड उनके सामने नाक रगड़ रहा है, और अगर दोनों इंडस्ट्री के फिल्मों को कॉम्पिटिशन के नजरिए से देखें तो बॉलीवुड हार रहा है। मैं बात कर रहा हूं बाहुबली सीरीज के बारे में। बाहुबली और बाहुबली 2 दो सुपरहिट फिल्में, दुनिया भर में कमाल किया दोनों ने, नाको चने चबा दिया। इन दो फिल्मों के आगे कोई नहीं। फिल्म को डायरेक्ट किया था SS राजामौली ने। SS राजामौली अपनी आने वाली फिल्म रामा राज्य रावणम यानी कि RRR पर काम कर रहे हैं। ये एक अपकमिंग तेलुगु हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है SS राजामौली ने। फिल्म में लीड रोल में हैं NTR रामा राव जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन। साथ ही साथ एक हॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं डेजी एडगर जॉन। बाकी सबके बारे में तो आप जानते होंगे कि जूनियर NTR राव कौन है, अजय देवगन कौन है और आलिया भट्ट कौन है, लेकिन डेजी एडगर जॉन्स ये नाम आप सभी के लिए नया है। ये एक फेमस ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं जो कि नेशनल यूथ थिएटर में काफी एक्टिव हैं। डेजी मुखर और मुख साक्षी शो में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा सीरीज कोल्ड फील्ड के जरिए काफी पहचान मिल चुकी है। कुछ महीने पहले ही डेजी फिल्म पॉन्ड में नजर आई थी। ब्रिटिश एक्ट्रेस डेजी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। डेजी अपने कुछ सेक्सी वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर लगातार छाई रहती हैं। सभी वीडियो में डेजी अपनी
सेक्सी एंड हॉट अदाओं से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। वो हर थोड़े दिन में कोई ना कोई बोल्ड वीडियो शेयर करती रहती हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल था कि ये फिल्म किससे इंस्पायर्ड है। तो ये फिल्म बेस्ड है लाइव्स ऑफ फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू और कोहराम भीम, जिन्होंने फाइट किया था ब्रिटिश राज और निजाम ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट। फिल्म की कहानी सीताराम राजू और कोहराम भीम इन दो नामों के किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ये दो स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगी की कहानी है। खबरों की माने तो फिल्म की कहानी स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू की जिंदगी की कहानी से प्रेरित होगा। सीताराम एक वनवासी थे। इन्हें किसी बंधन में अथवा पराधीनता यानी कि डिपेंडेंसी में नहीं जकड़ा जा सकता था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशियों के खिलाफ विरुद्ध किया और उनका ये संघर्ष देश के स्वतंत्र होने तक निरंतर चलता रहा। आज हम कह सकते हैं कि जंगलों के टीलों से ही आजादी की योजना का आरंभ हुआ। महान क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष में गुजारा। आंध्र प्रदेश के महान क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू, इनका जन्म 15 मई 1897 को गोदावरी जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिल पाई और उनके एक संबंधी ने उन्हें धोखा दिया था। उसकी वजह से 18 वर्ष की उम्र में साधु बन गए। 1920 में उन पर गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु जब एक वर्ष में स्वराज्य गांधी जी का सपना साकार नहीं हुआ तो राजू अपने आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश में उन्होंने कई बार पुलिस थानों पर आक्रमण किया और वहां से सारे हथियार ले लिया। 22 अगस्त 1922 से 1924 तक राजू के दल ने दसियों पुलिस थानों पर कब्जा करके उनके हथियार लूटे। पुलिस को हर बार उनकी संगठित शक्ति के सामने पराजित होकर भागना पड़ता था। यहां तक कि स्थिति आ गई कि सरकार ने थानों में हथियार रखना ही बंद कर दिया। राजू के दलों के सामने कोई नहीं टिक पाता था। लेकिन लगभग 2 वर्ष तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला ये वीर शहीद हो गया। उन्हें एक सेना की बड़ी फौज ने पकड़ लिया था जब वो वहाँ से भाग रहे थे। उन्हें गोली मार दी गई। वही अगर कोहराम भीम की बात करें तो सीताराम राजू से काफी इंस्पायर थे। उनके सम्मान में ये कुछ भी करने की इच्छा रखते थे। इन्होंने हैदराबाद शहर मुक्त करने के लिए असफ जली राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जीता था। इनका एक नारा भी था, जल जंगल और जमीन। और जहाँ तक देखा जाए तो एसएस राजमौली की फिल्म का भी यही मोटिव होगा, क्योंकि इन तीनों पर आज खतरा मंडरा रहा है, सभी जानते हैं। दोस्तों, एसएस राजमौली की फिल्म हो और छोटी फिल्म हो ही नहीं सकता। इस फिल्म का कैनवस बहुत बड़ा है। हो सकता है कि फिल्म में ब्रिटिश राज दिखाया जाए कि कैसे देश के दो क्रांतिकारी ब्रिटिश से लड़ते हैं। पूरी फिल्म इस पे हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरी फिल्म फिक्शन है। इसमें बहुत कुछ इधर उधर देखने को मिल सकता है। फिक्शन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, चलो याद दिला देता हूँ। दोस्तों, बॉलीवुड में वैसे तो बहुत से सब कैटेगरीज की फिल्में बनती हैं। कोई इन कैटेगरीज को जॉनर के नाम से भी कहता है। देखा जाए तो फिल्में या तो रोमांटिक होती हैं, या तो इरोटिक्स होती हैं, या फिर माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल, एक्शन, डांस, ड्रामा और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सभी जॉनर में या सब कैटेगरीज में कुछ फिल्में नॉन फिक्शन होती हैं और कुछ फिक्शन। नॉन फिक्शन जो सच्ची घटना पर आधारित होती है, जिसमें झूठ बिल्कुल ही ना हो। फिक्शन जिसमें झूठ भी हो सकता है और सच भी, यानी कि दोनों का मिक्सअप हो सकता है। जैसे कि एक फिल्म आई थी पद्मावत, पहले उसके डायरेक्टर ने इसे नॉन फिक्शन हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म बताया, लेकिन बाद में जब इस पे विवाद हुआ तो मेकर्स को एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर चलाना पड़ा कि ये फिल्म या इस फिल्म की कहानी काल्पनिक है, इस फिल्म का किसी से भी कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाई गई है। पूरी दुनिया की मैक्सिमम फिल्में फिक्शनल होती हैं, यानी कि काल्पनिक होती है। बात करें कि कौन क्या कैरेक्टर प्ले करेगा, तो खबरों की माने तो जूनियर एनटीआर अलूरी सीताराम राजू का रोल प्ले करेंगे, वहीं रामचरण कोहराम भीम का। साथ ही साथ आलिया भी है इस फिल्म में, जो कि रामचरण के साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म से एक हॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम जुड़ा है, डेजी एडगर, वो जूनियर एनटीआर के अपोजिट नजर आएंगी। अब अजय के रोल में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जूनियर एनटीआर और रामचरण इससे पहले भी ऐसी पीरियोडिक ड्रामा फिल्में कर चुके हैं। इनको लेने के पीछे ये एक मकसद हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर पहले भी कर चुके हैं और दोनों फिट हैं। दोनों एक्टर्स के पास भरपूर टैलेंट है, जिससे वो सबका दिल जीत सकते हैं और दिल जीत भी चुके हैं। दोनों ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। इन दोनों की मैंने भी बहुत सी फिल्में देखी हैं, जिन्हें देखकर मैं खुद दंग रह जाता हूं, जैसे कि जय लव कुश, उसके बाद अरविंदा समेथा, मगधीरा, विनय विधाया रामा और भी बहुत सी। ये तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी हैं।
इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म का पहला लुक भी जारी कर दिया गया है। फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर पहले काफी चर्चा थी। खबर आई थी कि आलिया भट्ट ने साउथ फिल्म मेकर्स SS राजमौली की फिल्म में काम करने से मना कर दिया। आलिया से पहले नाम आया था इस रोल के लिए परिणीति चोपड़ा का और उसके बाद आलिया भट्ट का। जब आलिया भट्ट ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया तो खबर आई कि ये फीस की वजह से है। फीस पर सहमति न बनने के कारण बात आगे नहीं बढ़ रही है। खबर थी कि आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए भारी भरकम फीस मांग रही हैं और SS राजमौली उस फीस को चुकाने के लिए सहमत हो गए हैं। जब आलिया ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था तो SS राजमौली ने करण जौहर से संपर्क किया कि वो आलिया से कुछ बात करें, लेकिन आलिया भट्ट ने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया और फिल्म को करने से मना कर दिया था। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस वक्त अपने करियर के पीक पर हैं। साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली आलिया ने बेहद कम वक्त में ये मुकाम हासिल किया। इस वक्त वो बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस हैं और उनके पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। ऐसे में फीस बढ़ाना और SS राजमौली को मना करना लाजमी सी बात है, लेकिन अभी फिल्म के लिए उन्होंने हाँ कर दिया, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे। फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का पहला लुक जारी किया और जारी किए गए पोस्टर में बाईं ओर रामचरण तेजा, दाईं ओर NTR रामाराव, दोनों का चेहरा आधा आधा दिखाया गया है, जिसे देखकर लोगों के मन में कई सवाल हैं कि फिल्म कैसी होने वाली है, क्या ये भी बाहुबली सीरीज की तरह होगी या फिर सिंगल फिल्म होगी, और भी ना जाने क्या क्या सवाल उठ रहे हैं मन में। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये फिल्म क्लैश होने वाली है सूर्यवंशी और शमशेरा से। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी और रणवीर कपूर स्टारर फिल्म शमशेरा की रिलीज डेट जुलाई 2020 है और कहा जा रहा है कि RRR 30 जुलाई 2020 को रिलीज हो सकती है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या करण जौहर अपनी फिल्मों की रिलीज डेट में बदलाव करते हैं या नहीं। बता दें कि इस फिल्म का बजट है 400 करोड़ रुपए। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं SS राजमौली, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं DVV दानिया। फिल्म प्रेजेंटेड बाय DVV एंटरटेनमेंट। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में एक और खास खबर आ रही है कि ये फिल्म भी बाहुबली की तरह बहुत अच्छा कलेक्शन करने वाली है। अब कितने का ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें बॉलीग्राड।